हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अमन जा चुके हैं ऑफिस। उनका जो है ब्रेकफास्ट और लंच बना कर दिया ना, तो ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके जा चुके हैं। घर का माहौल कुछ ऐसा है, कुछ दिनों से व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, घर का माहौल कुछ ऐसा है कि हर कोई बीमार पड़ा है, कोई ना कोई इधर उधर, मतलब जिसको देखो बीमार है। आपको पता ही है जैसा चल रहा है। और स्पेशली अगर मैं बताऊं, ये बिल्ली का बच्चा बोल रहा है, मिलवाती हूँ बिल्ली के बच्चे से, खाना खा चुपचाप। तो अगर मैं बताऊं, राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी तो मतलब चाहे लड़ाई झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, भाई बहन तो भाई बहन ही होते हैं, उसकी इतनी टेंशन मेरे को 2-3 दिन से हो रही है क्योंकि उसका जो है फीवर नहीं टूट रहा है। बार बार उसको फीवर आए जा रहा है। कितने दिन हो गए उसको? महीना भर हो गया, इतना उसका वेट गिर गया। मेरे दिमाग में ना ये चले जा रहा है कि पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से उसका फीवर नहीं उतर रहा। मैंने उसको ये भी बोला कि तू किडनी लीवर हर चीज़ के टेस्ट करा, उसने हर चीज़ के टेस्ट करा लिए, उसने खुद ही करा लिए। वो मुझे बता रहा था कि उसने हर चीज़ का टेस्ट करा लिया। रोज़ जो है मैं फ़ोन पर बात करती हूँ उससे। परी और काबू को भी फीवर आ गया था, अभी तो वो दोनों ठीक है। मैंने कल शाम को पापा से बात करी थी, रात को राहुल से भी करी थी, राहुल को था कल भी फीवर। अब वो कह रहा है कि आज की दवाई और है, इसके बाद देखते हैं, नहीं तो मैं उसको कह रही हूँ किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, इतने दिन दवाइयाँ लेना भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, आज है अयान की छुट्टी। अयान की छुट्टी है ईद की वजह से। अभी मैं मिलवा देती हूँ, जो पीछे से आपको बिल्ली बच्चे की आवाज़ आ रही है ना, ये वो मेरा ही बिल्ली का बच्चा, भी मिलवाती हूँ। ये बैठा मेरा बिल्ली का बच्चा। हाँ बोल, कैसे कर रहा था? गाइस, अयान अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, म्याऊ म्याऊ करके कर रहा है, म्याऊ एक गंदा मुंह में सब कुछ दिखा दिया, जो भी मुंह में, माउथ क्लोज करके खाते हैं, चप चप करके थोड़ी खाते हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ऐसे बोलना था गुड मॉर्निंग मैम है ना? नहीं ऐसे नहीं बोलेगा। अयान मामू की तबीयत ठीक नहीं है यार, क्या करें? हाँ यार, जा भी नहीं पा रहे हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो जल्दी बोल। गाइज, ये आपको ऐसे ही पकाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। हम जा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि कहीं हम वहाँ पर जाएं और अयान की ना तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि राहुल ये चीज़ खुद ही कह रहा था कि इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है, अगर ये बीमार हो गया तो इसको तो एडमिट ही करवाना पड़ जाएगा, इसलिए तू इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रख। तो इसकी वजह से मैं जा ही नहीं पा रही उससे मिलने के लिए, बट आज मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ, एक बार मिल के आती हूँ, देखते हैं, एक बार पता तो लगे कि क्या सिचुएशन है। और ये आ गई है मम्मी। गुड मॉर्निंग। मम्मी का पैर अभी ठीक है, अब मम्मी थोड़ा काम वाम करने लग गई हैं, नीचे का काम निपटा के आई है। हैं क्या सीढ़ियों पे नहीं चढ़ा जाता? तो फिर क्यों गई दादी नीचे? पूछो दादी से, थोड़ा सा ये बात ये बता नहीं रही मैं जा। वो करना ना डर जो जाए ना, थोड़ा सा ये अब सोचने में सब उतर गई। हां दादी थोड़ा सा, हां नहीं है दवाई तो इसलिए दादी जो है सीढ़ियों में। क्यों जान दी तूने? अगर तुझे इतनी चिंता है तो तूने क्यों जाने दी? सबकी चिंता है। रोटी खा ले अपनी चुपचाप। और गाइज, आज बनी है लंच में मटर पनीर, ये रही। खाना बन चुका है, इधर मैं बना रही हूँ चटनी हरे धनिए की, टमाटर की, और इधर बनेगा मूंग दाल का चीला। ये मैंने मूंग दाल भिगो के रखी है, मेरे लिए बनेगा मूंग दाल का चीला, क्योंकि हमारी मिक्सी ख़राब हो गई इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर से बनाती हूँ। तो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, राहुल से मिलने जा रही हूँ आज फाइनली। काबू के बता रहा है बुखार है अभी भी, परी ठीक हो चुकी है, और ये मेरा जो छोटा सा टिंडा है ना, ये ज़िद कर रहा है। खड़ा हूँ। देख बेटा, मुझे पता है कि मामू के घर जाने का सभी बच्चों का मन करता है, पर क्या करें अगर आप बीमार हो गए। मामू खुद ही कह रहा है ये मैं बीमार घर के बाहर बैठ जाऊंगा। घर के बाहर कहाँ, धूप में बैठेगा? नहीं धूप में नहीं, बाहर तो गेट खोलेंगे, मैं खटोले बैठ जाऊंगा, खटोले पे बाहर गर्मी में धूप में। बेटा वो कह रहा है अगर आयु बीमार हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सब बच्चे तो झेल लेते हैं, ये नहीं झेल पाएगा, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। मैं स्ट्रांग हूं। नहीं है बॉय, तो बेइज्जती करा दो। एंड दिस इज नॉट अ बेइज्जती, ओके? ये बेइज्जती नहीं है। आप खाना खाओ अच्छे से तो फिर आपकी बेइज्जती नहीं होगी। अगर आपको इतनी बेइज्जती महसूस होती है तो खाना खाना चाहिए ना, चाहिए ना।
खाता तो हूँ। एक पराठे में दो बाइट तीन बाइट हमेशा छोड़नी तेरे को, रोटी में भी एक रोटी चाहे छोटी बना लो चाहे बड़ी। अच्छा आपका तो दो एक बाइट करके तीन बाइट खिला तो पूरी रोटी तो खाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो फिर कहेगा मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग तो होता नहीं है, ठीक है। दादी को परेशान मत करना, दादी के पास रहना आराम से। ओके किसका सपना आया? किडनैपिंग का। गाइस आज इसको किडनैपिंग का सपना आया। कौन कर रहा था तुझे किडनैप? पता नहीं, भागा भागा आया सुबह उठ के, मम्मा मम्मा मुझे बहुत बुरा सपना आया मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सपने आते रहते हैं, ऐसे मम्मा पापा के होते हुए थोड़ी कुछ हो सकता है। चलो कोई नहीं, चलो आप दादी को परेशान मत करो। मैं क्या कह रही हूँ, ओके नहीं बोल रहा? ओके तो बोल दिया। अच्छा ठीक। गाइज मेरा मजाक उड़ा रहा, खुद बीमार पड़ा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। मम्मी मैं इतनी पतली नहीं हूँ कि मैं एक साल नहीं उठ पाऊंगी, ठीक है? ऐसे काम ही क्यों कर रहा, हम तो छिक लिया है तीनों, बाप बेटा बेटी हो लिया। तो गाइज ये रहा राहुल, आप लोग सब कमेंट करते थे। और वो देखो उसके हाथ में, मम्मी इसको पकड़ो एक बार, इसको ले लो एक बार, इस गुलगुले को ले लो भाई। गाइज इसके भी बुखार चढ़ रहा है, इस छोटी जी लादो के भी बुखार चल रहा है, लादो के भी बुखार चल रहा है, और इसके भी चढ़ रहा था। इसका मुझे गला अभी भी खराब लग रहा है, आवाज आ रही है। हाँ इसका भी गला खराब है ना। तो गाइज राहुल के चढ़ रही है डेली ड्रिप, नहीं सॉरी इंजेक्शन, इंजेक्शन लग रहे हैं चार चार। मुझे पता ही नहीं है, तो जब तो मैं मिलने आई हूँ। ये इसका सौदा सुदा रखा है सारा, और ये मुझे कह रहा अगर तू बीमार हो गई तो तू एक साल नहीं उठी। मैं तो फिर भी एक महीने में उठ ली। रक्षाबंधन से पहले का हो रहा है ये, तो आज 17 तारीख है ना, 16 है आज। टाइफाइड कई दिन में डायग्नोज हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा दिन घुल गए। अगर पहले ही पता लग जाता तो इसको नीचे उतरना है, इस टिंडी को नीचे उतरना है। कहाँ जाएगी नीचे उतर के? गुल्लू गुल्लू जी चलो बाहर, चलो चलो बाहर, पापा के पास नहीं जाना अभी, अभी नहीं जाना। और आयु यूँ कह रहा था अगर मामू ने ये कहा ना आपको घर जाने के बाद, कह रहे मैं तो बुखार का मजाक कर रहा था, फिर देखना मामू को कैसे बताता हूँ मैं, क्योंकि वो आने की जिद कर रहा था। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी नहीं जाना। वो भी एक साल नहीं उठा। चल परी चल, हम तो चलते हैं बाहर है परी, चलो। अरे भाई ये दोनों सोच रहे हैं, दोनों सोच रहे हैं कि मुझे ले ले और मुझे ले। दोनों का बेचारों का गला खट गया। आयु ने ना लेकर आई ना तो बेचारा, आयु आयु ये भी आयु को ढूंढ देते तेरा। अरे भाई ना मेरे को ले चलो मम्मा, मैं बाहर खटोले बैठ जाऊंगा उनके घर। हाँ पूरे घर में भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। अरे मैं इसलिए लाई, मैं इनका कहीं उसके हो गया फिर भारी काम। यूं ही कह रहा धूप में बैठ जाऊंगा बाहर खटोले पर, ले चलो हैं काबू काबू, बुला लूं भैया को। ओए ओए हीरो, ओ हीरो इसका ज्यादा गला खराब हो रहा है, ज्यादा गला खराब हो रहा है। ये देखो मैडम, ये देखो मैडम, तू मेरे से तो मिलने नहीं आई, तुझे भैया भैया चाहिए, तुझे भैया भैया चाहिए। राहुल के एक साथ दो दो चीज हो गई ना, जब ज्यादा कमजोर हो गया। कौन कह रहा था? हाँ एक बार तो बीमार वैसे चल रहा है मम्मी, हर किसी के घर में, जिस भी घर में जाओ आप, हर घर में तीन चार बीमार पड़े हुए हैं। तो गाइज अब हो गया है घर वापस जाने का टाइम, और देखो ये इतने दिनों से उस कमरे से बाहर नहीं निकला था, आज मैंने आके बाहर निकाल दिया है। तो अब इसकी एक चारपाई, मैंने तो नहीं देखा तुझे, मैंने तो जितनी बार वीडियो कॉल करी उतनी बार तुझे वहीं देखा है। तो अब इसकी मम्मी एक चारपाई डाल दो यहाँ पे ताकि इसका मन लगा रहे, ठीक है? अरे मेरा उस कमरा में बेस्ट मन लगा, मेरा बाहर निकलने को खुद ही जीना चाहिए। अब ये मैं इससे मिलने इसीलिए आई थी, मुझे पता था ये मुझे मिस कर रहा है, अभी ठीक हो जाएगा बिल्कुल, देख लेना। आज मैं मिल के जा रही हूँ तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो और गाइस देखो इतना मेरे से लगाव है इन लोगों को,
ये देखो सामने भी मेरे को ही चला रखा है, मेरे यहाँ होते हुए भी मुझे ही नहीं कर। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, अब तू ठीक हो जाएगा, मेरी बात ध्यान रखियो अगले दिन। नहीं मैं बता रही हूँ परी, बाय बाय बेटा। बेटा वहाँ बेटा अभी तू बीमार है, देख दादू बाहर गए, मैं डांट मारेंगे, देखो हॉर्न मार रहे, चलो 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 यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, बाय, मैं ले जाऊंगी फिर बाद में।